दोस्तों आज जो हम इसके बात करेंगे ये लिक्विड फर्टिलाइजर की, इसे हम बहुत ही सिंपल तरीका से बनाकर और अपने पौधों में डाल सकते हैं। ये जो हम लिक्विड आपको दिखा रहे हैं ये लिक्विड आप आसानी से घर पे बना सकते हैं, और ये लिक्विड फर्टिलाइजर आप किस में दे सकते हैं, क्योंकि अभी आ गया बरसात और जिनके पास जगह है वो अपना घर पे सब्जियां उगाना चाहते हैं, तो ये सब्जी के लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आप सब्जी वाले पौधे में, फूल वाले पौधे में, फल वाले पौधे में इसे देंगे तो कहते हैं ना कि भर भर के आपको सब्जी मिलेगा, यदि फूल में डाल रहे हैं तो फूल मिलेगा, फल में डाल रहे हैं तो फल मिलेगा। केवल इसे बिल्कुल आसानी तरीका से इसे बनाना है और बना के अपने सिंपल ही तरीका से अपने पौधों में डालना है। इसके बनाने के लिए हम क्या लिए हैं तो आपको हम दिखाते हैं कि इस पर हम लिए हैं, हाथों की मदद से निकाल कर दिखा रहे हैं, तो ये है मेथी दाना, और मेथी दाना आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमारा इसमें गल चुका है। इसे हाथों से मसल रहे हैं तो आसानी से ये हमारे हाथों में मसला जा रहा है। तो दोस्तों इसे करने के लिए हमें कितना दिन छोड़ना पड़ता है, तो इसे कम से कम एक सप्ताह हम छोड़ दिए इस पानी के अंदर केवल मेथी दाना डालकर, और इसमें हम एक से डेढ़ लीटर पानी डाले हैं। और इसे डालने के बाद आप अपने पौधों में बिल्कुल सिंपली तरीका से, एक मेथी दाना का दूसरा उपाय है जो उसे आप साल भर तक रख सकते हैं, उसे आप वीडियो में बने रहें, बताएंगे कि उसे किस तरह बना सकते हैं और सालों भर अपने पौधों में यूज कर सकते हैं। पर ये बहुत ही ज़बरदस्त है कि अभी अभी सभी को लता वाला पौधा लगाए होंगे, नेनुआ लगाए होंगे, कद्दू लगाए होंगे, जितना भी लताएं वाला पौधा हो या लताएं वाला फूल हो ये बहुत ही अच्छा उपयोग कर सकते हैं, यानी कि पोलियो स्प्रे भी कर सकते हैं और इसे आप जड़ में भी डाल सकते हैं। जिसे डालने से आपको क्या होगा, नेनुआ में क्या होता है कि फूल नहीं आता, यदि फूल आ भी गया तो फूल उसका अचानक से झड़ जाता है। मिर्च का पौधा में क्या होता है कि फूल भर भर कर आता है पर उसका एक भी पौधा में रहता नहीं, सारा फूल गिर जाता है। पर इसे डालने से आपका फूल रहने लगेगा, जब फूल रहेगा तो उसमें मिर्च भी आएगा और नेनुआ का पौधा में नेनुआ भी आएगा, केवल इसे इस्तेमाल करने से। इस्तेमाल कैसे करना है और इसमें क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, पोषण तत्व की यदि बात कर लें तो इसमें जिंक है, आयरन है, फास्फोरस, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फोलिक एसिड नाम का भी पोषण तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों इतना प्रचुर मात्रा से इसमें हमें विटामिन तत्व पाया जाता है, पर दोस्तों इसे हम यूज कैसे करेंगे वो आप जान लें। इसे करना क्या है, आपको 100 ग्राम लेना है आपको मेथी दाना, और एक से डेढ़ लीटर पानी में डुबा देना है, डुबा के एक सप्ताह एकदम छोड़ देना है। बिल्कुल आपका इस तरह से हाथ से दबने लगेगा तब आपको क्या करना है, ऐसे तो आप दो दिन के बाद भी यूज कर सकते हैं पर एक हफ्ता वाला ज़्यादा बढ़िया रहता है, तो इसे हम एक हफ्ता रखें। यदि आपको जल्दी डालना है तो दो दिन भी डाल सकते हैं और फिर से उसमें पानी एक से डेढ़ लीटर आप डाल दें और उसे कम से कम हफ्ता दिन तक जरूर रखें। दोस्तों इसे यूज करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ लेंगे हम जो पोलियो स्प्रे करेंगे तो उसे हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे पोलियो स्प्रे करने से पहले हमें क्या करना है, लेना है इसमें 250 ml पानी, 250 ml पानी आपको सादा पानी लेना है। सबसे पहले हम यहाँ सादा पानी ले लेते हैं, 250 ml। दोस्तों यहाँ हम सादा पानी लिए हैं 500 ml और यहाँ लेंगे 250 ml। इसे करेंगे पोलियो स्प्रे अपने सब्जी वाले पौधे में, जो आपका लता वाला पौधा है उस पर आप स्प्रे करेंगे तो उससे क्या होगा, जो आपका फल गिर जा रहा था या छोटा ही साइज में रह रहा है वो क्या हो रहा है, गलने लग रहा है। तो ये स्प्रे करने के बाद ये शिकायत आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। अभी के सीजन में क्या होता है, फूल ज़्यादातर झड़ जाता है या फूल गलने लगता है, इसे यदि अपने पौधों में डालेंगे तो ये शिकायत बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। इसे करना है क्या, अपराजिता के पौधा में, लता वाला पौधा है और उसमें क्या हो रहा है कि फूल आ तो रहा है बहुत ही कम आ रहा है और छोटा साइज का आ रहा है। तो यदि आप अपने घर में सब्जी का भी पौधा में इसे स्प्रे कर सकते हैं तो इसे स्प्रे कर लेंगे। अब आपको बताते हैं मिट्टी में इसे कैसे डालना है, तो मिट्टी में हमें लेना है 250 ग्राम लिक्विड लेना है और इसमें लेना है 1 लीटर पानी। तो एक बार दिए
और ये दूसरा बार दे दिए, तो इसे हम दे देंगे मिट्टी में। मिट्टी का उपजाऊ क्षमता बहुत ही अच्छा करता है, जिससे हमारा जड़ों का विकास होता है और तना का भी विकास होता है। तो इसे हम जड़ में दे देंगे और इसे हम हर एक पत्ता में, तना में, सब सारा में हम स्प्रे करेंगे। तो इसे स्प्रे करके आपको दिखाते हैं। आपने देखा लता वाला में हम स्प्रे भी किए और अपने गमले में पानी भी डालें, यानी कि ये लिक्विड फर्टिलाइजर डालें। अब आपको इसी चीज़ का बायो एंजाइम बना के दिखाना चाहते हैं कि ताकि आप इसे 12 मास यूज कर सकते हैं। दोस्तों, बायो एंजाइम बनाने के लिए आपको लेना है इस तरह से व्यायाम, जैसे हम लिए हैं, छोटा व्यायाम लिए हैं, और इसमें हम 25 ग्राम डालेंगे, क्योंकि इसे हमें 2 महीना बाद यूज करना है। जब बायो एंजाइम किसी भी चीज़ का बनाते हैं तो कम से कम 2 से 3 महीना आपको छोड़ना होगा। तो हमें इसमें लेना है 50 ग्राम। ये जो मेथी है आप देख रहे हैं, ये 50 ग्राम भी ले सकते हैं, 25 ग्राम भी ले सकते हैं, पर हम यहाँ पर 25 ग्राम ले रहे हैं। इस तरह से आप इसमें डाल दें। डालने के बाद आपको करना क्या है, इसमें गुड़ लेना है। ये जो गुड़ है, क्वांटिटी बराबर रहना चाहिए। जैसे 25 ग्राम मेथी दाना लिए तो 25 ग्राम गुड़ लेना है। तो हाथों की मदद से हम अंदाज से डाल देंगे इसमें गुड़। ये गुड़ डालने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाने के बाद अच्छा से हिलाना है। दूसरा दिन हमें क्या करना है, इसका ढक्कन आकर, और ये चीज़ प्लास्टिक का ही बोयाम में बनाएं, ये आप किसी कांच का बोयाम में नहीं बनाएं, क्योंकि जब इसमें गैस बनता है तो क्या होता है, फटने का डर रहता है, वो आपको चोट भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको लेना है प्लास्टिक का किसी भी तरह का बोयाम। तो हम यहाँ पर लिए हैं। दूसरा दिन क्या होगा, जब इसमें गैस बनेगा तो हमें कम से कम 1 दिन तक इसका ढक्कन हल्का हल्का ढीला करना होगा और इस तरह से पैक करना होगा। तो इसे आप ढक्कन टाइट रखेंगे तो कभी ये पानी गमकेगा नहीं। 2 साल 3 साल आपका आराम से ये चलता रहेगा। और जब ये गाढ़ा सा हो जाएगा तो आपको 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन, यानी कि किसी भी ढक्कन से नाप कर आप हर एक पौधा हम देते हैं। तो इसका आपको विटामिन बताए हैं कि इसमें कितना भरपूर तरह से विटामिन रहता है। तो इस तरह से बायो एंजाइम अपने घर पे बना सकते हैं। और जल्दी चाहिए तो आप जिस तरह हम पहले बताए हैं आपको, उस तरह से यूज करें। और दोस्तों, ये जानकारी अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।